कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर हर सुबह आकर खड़ी रहती है, बस आपको उसे देखने और पकड़ने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बटर स्कॉच लोटस की जो बिस्कॉफ बिस्किट्स और स्प्रेड्स आते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से मैंने एक केक बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। आप उसे ज़रूर ट्राई करें घर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ स्क्रैपर से स्क्रैप कर लिया है और केक को पूरी तरह से क्लीन कर लिए हैं। इसके नीचे के भी बॉर्डर मैंने बना लिए हैं। अब इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो मैंने पहले के वीडियो इसलिए नहीं इसमें डाले कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप बोर भी हो जाते, इसलिए ऑलमोस्ट मैंने केक को आधा रेडी कर लिया है। उसके बाद मैं उसे डेकोरेट कर रही हूँ। जो मेन फोकस होता है वो डेकोरेशन पर होता है, क्योंकि जब आप होम बेकर हो या फिर आप घर में केक बना रहे हो तो इतना केक रेडी करना बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है ABCD का और उसमें चॉकलेट को मेल्ट करके और मैं डाल रही हूँ। और बहुत से लोग होते हैं जो चम्मच से ट्राई करते हैं, बस इसकी कैविटी जो होते हैं वे इतने छोटे होते हैं कि आप कौन से ट्राई करें, इससे इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और बहुत इजी होता है इसे बनाने में। आप देख सकते हैं कि मुझे कितना इजी हो रहा है। मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और उसको पाइपिंग बैग में डालकर बहुत ईजिली इसे ABCD के मॉल्ड में डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं लेटर के। तो आप देख सकते हैं, और जब ये रेडी हो जाए, मीन्स जब आप मॉल्ड में चॉकलेट को डाल दें, तो इसे 3-4 बार टैप टैप करना ना भूलें, अदरवाइज इसके नीचे जो है वो कैविटी रह जाती है छोटी बड़ी। तो यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई लगा रखा है। बटरफ्लाई सेम कलर के हैं जो जिस कलर के मैंने नीचे बॉर्डर लगा रखे हैं, लाइट पर्पल कलर के हैं। और ये अभी मैं मॉल्ड में से निकाल रही हूँ। मेक श्योर कि आप जब ये किसी भी तरह के चॉकलेट जो है मॉल्ड में डालेंगे तो उसे कभी भी फ्रीज़र में ना रखें, उसे फ्रिज में रखें, यानी कि नीचे ऊपर वाले जिसमें आप आइस रखते हैं उसमें बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो ये जो है ना वो ऊपर से काफ़ी जो है वाटर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे केक जो है बड़ा ख़राब हो जाता है और चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो यहाँ टॉपिंग पर मैंने 2-3 जो है चॉकलेट के बॉल लगा रखे हैं और एक मीन्स आप कह सकते हैं कि आइसक्रीम है, बट वो आइसक्रीम सिर्फ शेप है, उसके अंदर जो है वो केक ही है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।